बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। वेलकम कर देता ना भी असी अपने चैनल पे। यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो और हैप्पी रहो। आज फिर एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज हम बनाने लगे हैं मटर चिकन, जो बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आग जला लेते हैं, तो फिर ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल मैंने डाल लिया है, 2 चम्मच मैंने ऑयल के डाले हैं। अब इसके अंदर प्याज डाल लेते हैं। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, वो मैंने रफली से काट लिए हैं। अब इसको डाल देती हूँ। इनको हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं, हल्का सा यानी कि मैं ब्राउन कर लूँगी। ये देखिए प्याज हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर चिकन डाल देते हैं। चिकन को हम उतनी देर तक भुनेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब अदरक डाल देते हैं 1 चम्मच। और लहसुन का पेस्ट भी 1 चम्मच। मिक्स करती हूँ इसको, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। अदरक डालने के बाद भी 1 मिनट तक मैंने भुना है, क्योंकि अदरक और लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। तो अब साथ ही टमाटर डाल देते हैं, जो मैंने टमाटरों का पेस्ट बनाया है। 2 टमाटर लेके मैंने उसका पेस्ट बना दिया था, वो डाल लेते हैं। पाउडर मसाले डाल देती हूँ, 1/2 चम्मच हल्दी का और 1 चम्मच भर कर सुरख मिर्च का। नमक भी 1 चम्मच डालूंगी, अगर कम लगेगा तो बाद में डाल लेंगे। और गरम मसाला 1/2 चम्मच। मिक्स करती हूँ, थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि मसाले अच्छे तरीके से पक जाए और घुल मिल जाए। सब्ज़ मिर्च डाल देती हूँ, 4 सब्ज़ मिर्च में डालने लगी हूँ। और साथ ही मटर डाल देते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं मुझे चिकन को भूनते हुए, अब मटर डाल के भी तकरीबन 5 मिनट भूनूंगी। लोग भी ज़रूर बनाना, बहुत ही मज़े के बनते हैं मटर और चिकन, तो इतने मज़े के बनते हैं हमारे घर वालों को, तो सभी को बहुत पसंद है। इसीलिए मैंने कहा चले मैं अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करती हूँ ये रेसिपी, क्योंकि बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोगों ने भी ज़रूर बनाने हैं मेरे तरीके से, अगर आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के बनेंगे आप लोगों के मटर और चिकन। मटर डालने के बाद भी मैंने 5 मिनट भून लिया है। ये देखिए ऊपर ऑयल भी आना शुरू हो गया है। तो अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार बन गए। देखिए मैंने कितने कम मसाले डाले हैं इसके अंदर। अगर ज़्यादा मसाले डाल दें तो वो चिकन और मटर का वो टेस्ट नहीं रह जाता, वो मसालों का ही ज़्यादा आता है। तो इसीलिए मैंने बहुत ही कम मसाले डाल के मैंने चिकन और मटर बनाए हैं, तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी इस तरीके से बनते हैं। चले अभी हमने चिकन और मटर की तो अच्छे तरीके से हमने बनाई कर ली है। अब इसके अंदर पानी डाल देती हूँ शोरबे के लिए। ये देखें मैंने इतना सारा पानी डाल दिया है, वो कुछ पकेगा भी और कुछ शोरबा रह जाएगा, तो बहुत ही मज़े का बनेगा। ये देखें अभी इसी वक्त इसके ऊपर तरी आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तरी वाला नहीं बनता, इंशाल्लाह ताला ये देखें आप, अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना तरी वाला बना है और कितना प्यारा बना हुआ है सालन। तो चले इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। चले कवर उठा के देखते हैं कि पका है। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा शोरबा भी बन चुका है। ये देखें बिल्कुल मुर्गी चिकन भी नहीं पूरा, तो बिल्कुल ये देखें कितना प्यारा बन चुका है। आप सब्ज धनिया डाल दें,
और साथ ही ज़ीरा और धनिया पिसा हुआ एक चम्मच भर के। मिक्स करके कवर कर देती हूँ क्योंकि अच्छे तरीके से ऊपर तरी आ जाए। फिर मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। कवर उठा के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा बना हुआ है, ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है और कितनी ऊपर तरी आई हुई। तो अगर ज़रा भी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और सभी अपने रिश्तेदार और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए जी आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार चिकन और मटर शोरबे वाला बन के तैयार हो चुका है। ये देखें ऊपर भी कितनी सारी तरी आई हुई है, बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है क्योंकि मैंने चेक करके देख लिया है, बहुत ही मज़े का बना हुआ है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कैफ की दुनिया को। और इसी के साथ मैं जा चाहती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।